हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा शिमला के रोटरी टाउन हॉल में युवा साहित्य संवाद एवं काव्य पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव केवल शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को कविता सुनाई और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। युवा होना महज शरीर से बलशाली होना नहीं है, जो अन्याय का विरोध कर सकता है, सच का साथ दे सकता है, अच्छाई का साथ दे सकता है, वो ही युवा है। आज के दौर में भी जो युवा वर्ग की जो एक निशानी है, जोश साथ में होश भी, वो बरकरार रहे तो जो राष्ट्र है वो प्रगति के पथ पर जाता है। क्योंकि जो राष्ट्र की जो ऊर्जा है, ऊर्जा शक्ति, वो तो एक युवा वर्ग ही है। वहीं सम्मेलन के दौरान केवल शर्मा ने मुनाल जोशी व अंचल भंडारी को भी सम्मानित किया। वहीं हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह ने बताया कि युवा साहित्य एवं काव्य पाठ में आरकेएमबी, संजौली कॉलेज, कोटचेरा कॉलेज व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। आज युवा साहित्य संवाद और काव्य पाठ का आयोजन किया गया है। आज के कार्यक्रम में राजकीय महाविद्यालय संजौली, आरकेएमबी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और कोटशेरा कॉलेज के विद्यार्थी अपनी अपनी रचनाओं का पाठ कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं और विभिन्न राष्ट्रीय और सामाजिक विषयों पर जो राष्ट्र के साथ सामने आज चुनौतियां हैं, कोरोना काल में आज का जनमानस जिस तनाव से गुजर रहा है, उसके बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए आज के इन युवा कवियों ने, विद्यार्थियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं। आज के कार्यक्रम में श्री केवल शर्मा जी, जो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में अधिकारी हैं और स्वयं एक कवि हैं, साहित्यकार हैं, सृजनधर्मी हैं, उन्होंने भी अपनी कविताओं का पाठ किया और युवाओं को संबोधित करते हुए सभी को राष्ट्र के योगदान में अपना महत्वपूर्ण योगदान, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का आह्वान किया।